नेट वर्क। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहाँ पर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट, DIY एंड होम डेकोर के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू मेक वुडन ट्रेस, जो कि मैंने बनाई है कुछ वेस्ट मटेरियल को यूज कर। सो यू कैन यूज दिस ट्रेस एज एन ऑर्गेनाइजर्स आल्सो और एज अ डेकोरेटिव ट्रे एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है ये कार्डबोर्ड एंड इसे मैं कुछ रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लूँगी। इसे कट करने के बाद मैं इसको एक कैप्सूल की शेप दूँगी। तो इसके लिए मैं ये सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। तो वैसे मैं इसके साथ भी कुछ DIY करने का सोच रही हूँ, तो मे बी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में भी वो दिख जाएगा। कार्डबोर्ड को एक कैप्सूल की शेप देने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये स्क्यूअर स्टिक्स। तो ये इस तरह की स्क्यूअर स्टिक्स आती हैं एंड इसे मैं ये फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। गाइज आप यहाँ पर जैसे मैंने स्क्यूअर स्टिक्स ली हैं, आप इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास यही अवेलेबल थी, तो इसीलिए आई एम यूजिंग दीज। तो मैं यहाँ पर ये फेविक्विक का यूज़ कर रही हूँ, इससे ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगी। बट आप यहाँ पर ऑब्वियसली ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो। तो जो लास्ट में स्क्वायर स्टिक्स जो एक्सटेंडेड थी, इसे मैं कुछ इस तरह से तोड़ लूँगी, अदरवाइज इन्हें तोड़ना बहुत टफ है। ओके, तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दीज वुडन बीड्स। तो ये आपको वैसे किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर मिल जाएंगी, बट मुझे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं, क्योंकि ये मेरे भैया की कार सीट का पुराना कवर था। तो एंड सीरियसली वो इसको फेंकने लगे थे, मतलब मैंने सोचा यार आप कैसे फेंक सकते हो इसको, मैंने बोला प्लीज़ गिव इट टू मी। एंड ये एक कवर में से बहुत सारे निकले हैं, तो इसको मैं आगे भी यूज़ करने वाली हूँ अपनी वीडियोस में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट आल्सो। तो धीरे धीरे एज यू कैन सी मैं इनसे इस ट्रे को एक बॉर्डर दे रही हूँ। तो अब हमारे बीड्स लग चुके हैं, तो इसके ऊपर भी मैं अच्छे से एक बार फेविक्विक लगा रही हूँ, ताकि निकलने का बिल्कुल चांस ना रहे। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूँगी ड्राई हो जाने के लिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये वुड वार्निश, जो मैं एक पेंट स्टोर से लेकर आई थी। बट गाइज अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी जगह जो हमारी सिंपल वार्निश आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड हमारी ये डेकोरेटिव ट्रे बनकर तैयार है। सो विद द नेक्स्ट ट्रे, इसे भी मैं कार्डबोर्ड से ही बनाने वाली हूँ। तो ये मैं थोड़ी एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर दो कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं एंड इसको मैं एक के ऊपर एक पेस्ट कर दूंगी फेविक्विक की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ये सनमाइका शीट। तो ये एक्चुअली मेरे घर पर पड़ी हुई थी, क्योंकि तो रिसेंटली हमारे घर में होम रेनोवेशन का काम हुआ था, तो ये बच गई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी शीट बच गई थी, तो इसीलिए मैं इस ट्रे के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैं कार्डबोर्ड के साइज़ में कट कर लूँगी एंड ग्लू गन और फेविक्विक की हेल्प से इस पर पेस्ट कर दूँगी अच्छे से।
तो इसे पेस्ट कर देने के बाद मैं अगेन इसकी एजेस पर ये वुडन बीड्स को पेस्ट करूंगी ग्लू गन की हेल्प से। गाइस अभी से ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसके हैंडल्स बनाने के लिए 2 स्क्वायर स्टिक्स ली हैं एंड इसे मैंने कुछ इस साइज़ में कट कर लिया है। इसको मैं बीड्स के अंदर इंसर्ट कर लूँगी तो इससे मैं इसके हैंडल्स बना दूँगी। तो इसके हैंडल्स बना देने के बाद मैंने इस पर भी वुड वार्निश का यूज़ किया था एंड नाउ इट्स डन। So guys, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? Please tell me in the comment section below. And if you want me to make something of your choice, then do let me know in the comment section below. So तब तक के लिए thank you so much for the time and support. मिलते हैं अपने next video में. Till then, take care and stay safe. Bye bye.